audio jungle. थाना इंदिरापुरम पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान दो छात्र वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस को कुल मिलाकर इनके पास से छोटे बड़े एक दर्जन वाहन बरामद हुए, जिसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन शामिल है। इसके अलावा पुलिस को इनके पास से अवैध असलाह, वाहन चोरी करने के उपकरण और विभिन्न वाहनों की 29 चाबियां भी बरामद हुई। दरअसल पकड़े गए छात्र चोरों का नाम प्रदीप सिंह और रोहित कुमार बताया जा रहा है, जो कि हाल ही में थाना विजयनगर क्षेत्र के बहरामपुर में रह रहे थे। पूछताछ में पकड़े गए छात्र चोरों ने बताया कि वह एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पहले रेकी किया करते हैं और फिर जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वह वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं और चोरी किए गए वाहनों को पार्किंग में ले जाकर छिपा दिया करते हैं। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रही है और इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। सुबह 5 बजे के करीब साई मंदिर के पास इंदिरापुरम की पुलिस द्वारा दो वाहन चोर पकड़े गए हैं, प्रदीप और रोहित नाम के, जो यूपी के बदायूं और अन्य जनपद के रहने वाले थे। वर्तमान में विजयनगर में किराए के कमरे पर रहते थे। इनके पास से, इनकी निशानदेही से 4 ऑटो, 2 फोर व्हीलर और 1 स्कूटी और 5 बाइक बरामद हुई है, जिनमें से 8 विभिन्न मुकदमों में दिल्ली, नोएडा और इंदिरापुरम से चोरी गई थी। अन्य जो भी वाहन है उनके संबंध में पड़ताल की जा रही है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका जो भी इनके बारे में डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है संबंधित जनपद से और पत्राचार भी किया जा रहा है, ताकि इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक निकल के आ सके, जिसके माध्यम से इनके विरुद्ध और विधिक कार्रवाई प्रभावी की जा सके। सर, थाना इंदिरापुरम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो वाहन चोर पकड़े गए हैं, क्या आप किसके पर पूरा मामला है? आज 31/31 की रात्रि में साईं मंदिर के पास चेकिंग लगाई गई थी, तो मॉर्निंग में ही जो अभयखंड चौकी इंचार्ज है उनके नेतृत्व में एक टीम के द्वारा दो लोगों का एक गिरोह पकड़ा गया, प्रदीप और रोहित नाम के, जिनके कब्जे से 4 ऑटो, 2 फोर व्हीलर, 5 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई है। अब तक की जो पड़ताल की गई है उसमें ज्ञात हुआ है कि 8 वाहन विभिन्न मुकदमों में दिल्ली, नोएडा और इंदिरापुरम से कनेक्ट है, बाकी अन्य गाड़ियों के किसी मुकदमे में गायब हुई थी या चोरी हुई थी, इस संबंध में पड़ताल की जा रही है। ये सर, जो दो अपराधी पकड़े गए हैं ये अपने थाना क्षेत्र के हैं या बाहर के कहीं से आए थे? जो रहने वाले ये यूपी के ही विभिन्न जनपदों के हैं, लेकिन वर्तमान में विजयनगर थाना क्षेत्र में निवास कर रहे थे। हमारी टीम को कामयाबी मिली है सुबह इनको पकड़ने में और इनके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी कुछ रहा है? बाकी इनकी जो आपराधिक इतिहास है उसके संबंध में जानकारी की जा रही है और जैसा भी आपराधिक इतिहास होगा उस संबंध में अवगत कराया जाएगा।